लोगों ने बोला उनके घर में कार, भाई सब बेकार, ऐसा है क्या? यस भी बोल रहे हो क्या? ओके, मैं चाहता हूँ सबसे पहले हमारा अभिषेक भाई इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, इतना मस्त चॉकलेट आते है ना, ये जोरदार ताली सर देने के लिए। क्या है कि सर भी बैठे, आज हमारे ये भी गेस्ट है और उमेश सर का स्वागत है, क्योंकि सर पहली बार ITC बन के ताने में आए, जोरदार ताली सर के लिए। और इंस्पिरेशन स्पीच उनका सुन के जाना लास्ट में, बहुत मोटिवेट हो जाऊंगे आप। तो दोस्तों, मेरा नाम नागेंद्र पुजारी है, बेसिकली मैं कर्नाटक से हूँ, लेकिन पिछले 22 साल से मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हो गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पहली बार आए हैं, हम भी आपकी तरह पहली बार ही आए थे, ये बिजनेस में कंपनी में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिला अपने को, हम लोग भी आपकी तरह। बस फर्क इतना है कि आप थाने में बैठा, मैं काटो पर में बैठा था। अब मैं बस अभी लीडर्स को सुनना है, मैं सिर्फ एक मिनट बात करूंगा। यू नो दोस्तों, अभी आप कुछ लीडर्स को सुनोगे, जिनको सुनोगे बहुत मोटिवेशन आएगी, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी गाड़ी घर देखने के बाद। लेकिन ये सब देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या पता है? क्या डिसीजन? क्या है decision. क्योंकि आपने कितना सुना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सुनने के बाद आपने डिसीजन क्या लिया, क्योंकि सब गेम मैंने डिसीजन की वजह से, क्योंकि आज जो आपके लाइफ में जो भी चल रहे ना, वो आपका लिया हुआ निर्णय की वजह से ही हो रहा है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं शादी करने के बाद बहुत टेंशन आ गया, अब वो टेंशन को लाने का डिसीजन किसने लिया? तुमने ढूंढा, तुमने पसंद किया, तुम उसके घर में चाय पिए, हेलो। मतलब आजकल जो भी होता है, मतलब अपनी जिंदगी में जो जो हो रहा है ना, वो नसीब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन। हाँ, डिसीजन क्या लिए उसको? ये मैं क्यों बोला पता है दोस्तों, जब ये बिजनेस मैं देखने को आया था ना, मैं अकेला नहीं था, जिसने मुझे बुलाया था, आपको भी किसी ने बुलाया होगा ना? बोलो यार। तो मुझे मेरा अपने ने बुलाया था, लेकिन उससे मुझे नहीं बुलाया था, उसने अपने 3 लोगों को बुलाया था, साथ में तीनों को बिठाया था हम लोग, हेलो। उसमें से एक आदमी जुड़ा नहीं, हेलो। डिसीजन उसने क्या बोला? ना मैं लिया। फिर उसमें से 2 लोग, जिसमें एक मैं था और एक बार रवि नायक था, हम दोनों क्या हो गए? जुड़ गए, हेलो। डिसीजन लिया, हाँ भाई करना है। अब उसमें से रवि नायक 2-3 महीना किया, थोड़ा तकलीफ आया, तो इतना डिसीजन बोला भी मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, छोड़ दिया, हेलो। लेकिन एक नागेंद्र पुजारी है जो जुड़ा और टिका भी रहा, मेरे डिसीजन एकदम कड़क था, बोला 3 से 4 साल करना है, कुछ भी होता है, हेलो। तो मेरा ये बिजनेस को जुड़ने का और इसमें काम करने की जो डिसीजन था वो हाँ में था। किसमें था? हाँ। और उसका नतीजा क्या हुआ? जब मैं पहली बार ये बिजनेस देखने गया, वो टेम्पल में होटल में वेटर था, मेरा महीने की आमदनी लगभग 5,000 रुपए थी, 5,000 के लिए मैं 12 घंटा होटल में काम करता। अब ये 5 रकम लड़का डिसीजन इससे क्या लिया? हाँ में लिया। अब हाँ के वैसे क्या हुआ, जो 5,000 कमाता था ये बिजनेस में आने के बाद, अभी तक भी बिजनेस में लगभग मतलब बोलते ना 8.5 लाख बीवी क्रॉस हो गया, तो वही हिसाब से रेंटिंग का मिला के लगभग 2 करोड़ के आसपास ये बिजनेस मेरे कमाया। दूसरा एक नहीं, 2 नहीं, तीसरा, चौथा कार लिया, जो नीचे खड़े 4th कार है, खुद का घर हो गया, फॉरेंटर हो गया, आज GST टैक्स पेयर हूं मैं, आज GST पे करता हूं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब मुझे एक बात बताओ, डिसीजन लेके गलत किया कि सही किया? सही किया। अब थोड़ी पल के लिए सोचो, अगर मैं जो जिसने 3 लोगों को बुलाया था उसमें से एक आदमी ना बोला था, अगर मैं भी ना बोल दिया होता तो क्या होता? वेटर ही रहता ना। अब तुम लोग जो मेरे ताली बजा रहे, तुम भी लोग आके गाली देते थे, हेलो, ऐसा बोलते हो ना वेटर को? बोलो यार। देखो डिसीजन में कितना बड़ा पावर होता है। देखो दोस्तों ना, एक बात याद रखना कि ऊपर वाला भी चेक करता है तू लायक है कि नहीं, हेलो। मतलब क्या करता है पता? वो आपको टेस्ट करता है, तेरे को तकलीफ देगा, वो थोड़ा पैसा ले रहेगा, हेलो, तू बहुत बिजी आदमी रहेगा, तुम बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत कुछ होगा, वो तुम्हारे दिमाग में कीड़ा डालेगा, मत कर मत कर, टेस्ट करेगा, हेलो। जैसे नीचे जाओ ना, थोड़ा कीड़ा आएगा दिमाग, सोचूंगा, पैसा नहीं, वो सब चीजें, वो कोई बुला रहा आपसे, उल्लू बराबर नहीं, हेलो। लेकिन वो तूने मजबूत कर लिया सर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं करेगा, मैं करेगा। क्यों मालूम है? कुछ अलग नहीं करना है। देखो मुझे एक बात, यहाँ पे कितने लोग जो पहली बार आए सर? आप पहली बार आए? अच्छा बताइए सर, ये बिजनेस में जुड़ने के लिए कुछ प्रोडक्ट लेना है जो आपके घर में यूज होते हैं, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू वगैरह, अगर समझो आपने मना कर दिया, नहीं करे समा, नहीं करे, हेलो, तो क्या होगा सर? एक 10,000 का जो प्रोडक्ट यहाँ से खरीदने वाले थे, अच्छा मुझे बता, अगर नहीं खरीदेंगे यहाँ से तो आपका 10,000 बच गया? नहीं बचेगा, क्योंकि अगर हमसे नहीं खरीदोगे दुकान में तो खरीदना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मतलब जो पैसा इधर आप देने वाले थे, कल आपको उधर देना है, तो प्रॉब्लम क्या है फिर? हेलो, तो भाई बात यही है,
तो हमने डिसीजन लिया, आज हम यहाँ है। अगर आप डिसीजन लेते हो तो आने वाले 3 साल के बाद आपका नाम वही होगा, लेकिन नाम के आगे एक शब्द लिखा जाएगा और उस शब्द का नाम है करोड़पति। पैसा नहीं, मान सम्मान इज्जत घूमने को मिलेगा। मैं खुद मलेशिया सिंगापुर दुबई 2 बार जा गया, अपने पास तो पैन कार्ड भी नहीं था पहला शुरुआत, सारा 4 कंट्री घूमा अपन। तुमको कहते सिर्फ पैसा नहीं, मान सम्मान इज्जत घूमना भी मिलेगा यार, कौन सा। मेरे को लगता है इंडिया में कोई भी राज्य बताई बचाई नहीं, सब घूम रहा है, सब घूम रहा। अब फिर जा रहा हूँ 21 तारीख को, 9-10 दिन का टूर है। हेलो, मजा आएगा। yes. मजा आएगा क्या? yes. मजा करना चाहते हो? yes. तो आओ हमारे साथ, हम और आप मिलके हमारे सारे जिंदगी को बदल लेंगे। विश्वास एक सच्चा है। yes. चार वाला शब्द। थैंक यू।